यशपाल हत्याकांड के शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान के एनकाउंटर की जांच करने के लिए गठित एसआईटी की टीम सोमवार को पौंधियारा मुठभेड़ स्थल पर पहुंची। एसआईटी टीम ने मुठभेड़ स्थल का जायजा लिया और मामले की छानबीन की। एक पूर्व जस्टिस और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी वाली इस न्यायिक आयोग की टीम दोपहर में यमुना पार के कौंधियारा थाना क्षेत्र में भंभोखर गांव पहुंची। मौके पर पुलिस फोर्स के साथ ही पीएसी के जवानों को लगाया गया था। दोपहर बाद टीम ने पहुंचकर छानबीन की और मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। न्यायिक आयोग की टीम ने उसके परिवार वालों से बातचीत की, उसकी पत्नी का भाई और माता पिता का बयान दर्ज किया। उसके बाद एनकाउंटर वाले स्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई। मुठभेड़ के स्थान को चारों तरफ से घेर कर पुलिस और पीएसी का पहरा लगा दिया गया था। वहां एनकाउंटर सीन रिक्रिएट किया गया। न्यायिक आयोग की टीम ने विजय चौधरी के उस्मान बनने की थ्योरी पर भी गहन छानबीन की। इस बात की पुष्टि उनकी कोशिश थी कि क्या उस्मान ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया था। 24 फरवरी को हुए शूट आउट के दौरान अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या हो गई थी, जिसके बाद 27 फरवरी को ही क्राइम ब्रांच और धूमनगंज की संयुक्त पुलिस टीम ने नेहरू पार्क के पास असद के ड्राइवर बताए जाने वाले अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया था। उसके बाद 6 मार्च को पौंधियारा थाना क्षेत्र में हुए एनकाउंटर में विजय चौधरी उर्फ उस्मान मारा गया था।